दोस्तों अब हम आ गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 8 जो कि साउथ कैंपस में पढ़ता है और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे UIT के हैं और कुछ डेंटल कॉलेज के भी हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई हमें मिले जिसका हम इंटरव्यू ले पाएँ, तो देखते हैं। तो ये सर बैठ सकता हूँ सर? वो बैठ जाना सर, कोई ऐसी गल नहीं। तो सबसे पहले मेरे को आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए सर। आप अमितोष सिंह, ट्रिपल ई सेकेंड ईयर। और आप सर? गुरप्रीत सिंह, CSE सेकेंड ईयर। तो सबसे पहले मैं सर अमितोष जी मतलब टर्न वाइज पूछूंगा, आपका हॉस्टल सेकेंड ईयर में तो आपका एक साल हो गया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार हॉस्टल का एक्सपीरियंस तो जैसे आम ही है यार, मतलब रहने वहने में कोई ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब लाइट चले जाती है, पानी की प्रॉब्लम, नहाने को, बाकी तो सब टाइम पास हो जाता है, दोस्त वोस्त इकट्ठे होते हैं, टाइम पास हो जाता है, पता नहीं लगता। और सर आपका? यार जैसे उसने कहा कि पानी की प्रॉब्लम रहती है, ये तो है कि पानी की प्रॉब्लम रहती है, किसी में किसी ब्लॉक में आ रहा है, किसी ब्लॉक में नहीं आ रहा, तो हमें दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ता है सुबह सुबह। बाकी सब बढ़िया है, दोस्त हैं, इकट्ठे रहते हैं, मज़े करते हैं, गपशप करते हैं, टाइम निकल जाता है। अच्छा टाइम निकल जाता है। ये प्रॉब्लम सर्दियों में नहीं आती क्योंकि सर्दी में नहाता ही नहीं कोई हॉस्टल में। वो बात तो है। तो सर ये बताइए कि हॉस्टल में मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह क्या क्या आपको प्रोवाइड की गई हैं? यार देख, जो कॉमन रूम बनाया गया ना उसमें है कैरम बोर्ड है और वो टेबल टेनिस है जिसके रैकेट नहीं है, और बस कुछ नहीं है। और यार बाकी सब हॉस्टल 6-3 सब में जिम है, इसमें है जिम ही नहीं है यार, सबको बाहर जाना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे जिम नहीं है, तो आपके मतलब आप यहीं के हैं हॉस्टल नंबर 8 के? मैं 6 नंबर हॉस्टल से हूँ, वहाँ पे जिम भी है और गेम्स के अलावा चेस भी है, वहाँ पे हम खेलने चाहते खेल सकते हैं। अच्छा कॉमन रूम है, टीवी है प्रोवाइड, टीवी किया हुआ प्रोवाइड। अच्छा। और दोपहर और रात को ही चला सकते हैं, संडे पूरा दिन। बाकी वही टेबल टेनिस वैसे ही, रैकेट्स हमें लेने पड़ते हैं, रैकेट्स ऐसी कभी कभार ऐसी हालत में होते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कुछ ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, सिंपल सी फैसिलिटीज़ हैं। और ग्राउंड्स हैं, बनाए हुए हैं। अच्छा कभी कभी मेंटेन भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही पड़े रहते हैं। अच्छा नहीं वो तो हम देख ही सकते हैं, जो मर्जी खेलना खेलो यार, क्रिकेट खेलनी है, फुटबॉल खेलनी है खेल लो, वो अपना है। अब एक मतलब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन कि सर यहाँ पे चलते हैं मतलब स्मोकिंग वगैरह, स्मोकिंग ड्रिंकिंग इस टाइप का कुछ? यार देख पहली बात मैं तो नहीं करता, आई एम क्लियर, ठीक है। फिर बाकी यार ये UIT है, 20 मीटर पे तेरे को ठेका मिल जाएगा लेगन पे। अब लोग पढ़ते हैं तो कई बार नहीं भी पास होते, कई बार क्लास में है, तो सबकी ना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लेगन पैक बेस्ट, ठीक है। दोस्त जाते हैं खूब पीपू के आ जाते हैं, मस्त है एकदम मस्त। और आपके हॉस्टल नंबर 6 में ऐसा कुछ? हाँ जो पीते हैं यार पीते हैं, फिलहाल हम तो नहीं पीते। हाँ कभी कभी सुबह हमें वहाँ बॉटल्स मिलती हैं ज़रूर डस्टबिन के पास। नहीं फिलहाल से आपके कहने का मतलब है कि आप सेकेंड ईयर में हो तो थर्ड फोर्थ ईयर तक कर दोगे शुरू? ना ना यार ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब एक सीरियस क्वेश्चन कि मतलब आरोप लगाए गए हैं कि PU के हॉस्टल में ड्रग अब्यूज, मतलब इस टाइप के आरोप लगे हैं कि नशे पत्ते, सीरियस वाले नशे, ये दारू वगैरह नहीं, सीरियस वाले नशे, आपका इस मतलब क्या कहना चाहते हो इस बारे में आप? यार देख अगर ऐसा होना होता है तो वो सीक्रेट हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। अच्छा। और एक दो बच्चा होता है जो जाके लीक कर देता है, जो हमें पता लगता है ना अजी सुना गया है, वो उसी से पता लगता है कि जिसने बीच में से लीक की हुई थी। इसीलिए जो करते हैं करने दो, उनकी मर्जी है यार, जैसे लाइफ जीते हैं जीने दो, उनको मज़ा आता है करने दो, ठीक है, जो उनका पॉइंट है, हमारा पॉइंट अलग है, ठीक है करते हैं तो करने दो। और आपके वहाँ पे? चलता है यार बीच बीच में चलता है। हाँ ये कि शो तो होता नहीं जैसे उसने कहा है, ये सभी जगह है कि ऐसे ही कर लेते हैं बीच बीच में, कभी ना कोई एक दूसरे अप्लाई कर देता है यार आपस में, हमें क्या पता लगता है, जो करते हैं करने दो। तो अभी मेरे को लग रहा है महीना चल रहा है अगस्त, तो अगले महीने PU के इलेक्शंस है, लग नहीं रहा एक्चुअली, चल ही रहा है नहीं नहीं इतना पता सर मेरे को। तो कैसी तैयारियाँ चल रही है इलेक्शन की, इलेक्शन जोर शोर पे, मतलब आप प्रेशराइज कोई किया जा रहा है आपको या ऐसा कुछ? हम तो हैं सेकंड ईयर में, हमें नहीं प्रेशराइज करते ना, हमें बोलते कि जितने बंदे आए हैं उनको अंडर लेना, ऐसे ही होता है पिछली बार भी, हर एक साल में ऐसे ही होता है। लेकिन अब जब तक अभी तक तो फर्स्ट ईयर आया नहीं है, जब आएगा तब ये चालू कैंपेनिंग सब, ये सब पार्टी जो भी है, मैं किसी नाम वगैरह तो सभी करती हैं कैंपेनिंग का, क्या सब कैंपेनिंग तो सभी करती हैं, जौन सी भी पार्टी है सब करती हैं कैंपेनिंग, और फर्स्ट ईयर के बच्चे को कराते कि वोट करो और ये फैसिलिटीज़। लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे आप इलेक्शन पीक पे होती है तब फैसिलिटीज़ वगैरह पूरी मिलती हैं, जो मांगोगे ये धपाधप मिलता है। तो आपका तो नॉर्थ कैंपस है, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि माहौल अलग होगा, वहाँ का कैसा माहौल है?
जी हाँ, माहौल तो अलग है। हॉस्टल्स में आते हैं, हर एक कमरे में जाते हैं, मिलते हैं, सबको मिलते हैं। हमारी पार्टी ने ये कि बताते हैं पार्टी के बारे में कि आप हमारी पार्टी को सपोर्ट करें, जितने सपोर्टर ला सकते हैं आप लाएँ। फर्स्ट ईयर आने वाला है, खासकर UIT वाले, क्योंकि UIT की स्ट्रेंथ ज़्यादा है आप बाकी डिपार्टमेंट से। UIT में भी काफ़ी है, UIT का कोई भी स्टूडेंट मिलते हैं उससे मिलना ज़रूर है। उन्होंने गाड़ियों में स्टिकर्स लगे होते हैं, अपने पूरी पार्टी को प्रमोट करते हैं वहाँ पे पूरे कैंपस में। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आपके 4 साल कैसे निकलेंगे यहाँ पे? 3 ही बचे हैं, कैसे निकलेंगे? 3 ही बचे यार, डरा मत यार, तू 4 बोल गया तो ठीक है यार, मतलब मज़े से निकलेंगे। अभी तो है, मतलब पढ़ाई का थोड़ा ज़्यादा जोर है, बाकी अगले सालों में और जोर बढ़ जाएगा 3-4 थर्ड ईयर में, 4th ईयर में। बाकी ठीक है, मज़ा आएगा, ऐसे मस्ती से काटते हैं। और सर आपके? यार जैसे कट रहे हैं मज़े कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चल नहीं रही अब सब, बाकी साल पढ़ाई तो चलती रहती है, जब मर्जी पढ़ाई ख़त्म ही नहीं होती चलती रहती है पूरी ज़िंदगी अब चलती रहती है, बाकी मज़े कर रहे हैं हम, निकल जाएंगे। जैसे एक साल निकल गया, पता नहीं लगा कैसे निकला। तो दोस्तों ये थे अमितोष जी और मनप्रीत सिंह, नहीं गुरप्रीत सिंह जी, धन्यवाद।